हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल रिव्यू चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू इसी मीवी की तरफ से आने वाले ब्लूटूथ स्पीकर की, जो कि मैंने अभी दो दिन पहले ही ऑर्डर किया है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू, और इसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये वाला स्पीकर लेना चाहिए कि नहीं। और अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको परचेस करना है, तो गाइज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी कोई वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइज, तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से ये ऑलरेडी थोड़ा खुला हुआ ही था, तो हम इसको निकाल लेंगे बाहर। और यहाँ पे हमारे पास इसका बिल भी है, तो हम इसको साइड में रख देंगे। और ये रहा हमारा प्रोडक्ट, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ के साथ आता है। और मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का ऑर्डर किया है। आपके पास ऑप्शन रहता है एक तो ब्लैक, वाइट, ये डार्क ग्रीन है, और इसके अलावा ऑरेंज, और आपको एक्वा कलर भी मिल जाता है, और इसके अलावा एक डार्क ब्लू कलर का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल ग्रीन ऑर्डर किया है। ठीक है, तो हम इसको एक बार कट कर लेंगे। और अब इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पर ये कुछ गाइड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको साइड में रख देता हूँ, क्योंकि जैसा कि अगर आप इस चैनल को पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो आपको मैंने पहले भी इसी स्पीकर की एक अनबॉक्सिंग दिखाई थी, जिसमें मैंने एक्वा कलर मंगाया था, और वो स्पीकर मेरे लगभग 2 साल तक चला है, और अभी भी वो स्पीकर चल रहा है। लेकिन उसका जो ये वाला जो हिस्सा है, ये निकल गया है यहाँ से। बाकी वो बिल्कुल सही चल रहा है अभी भी। मुझे एक और नया मंगाना था, क्योंकि उसमें थोड़ी मिट्टी वगैरह लग गई, स्क्रैच लगे, क्योंकि मैंने एक लाइट कलर मंगाया था, तो थोड़ा ख़राब दिखने लग गया था, तो इसलिए मैंने ये एक और मंगाया है। तो अभी मैं इसको साइड में रख दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है कंप्लीट लुक इसका। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक पावर बटन देखने को मिलता है, ठीक है, और पॉज और रिज्यूम करने का बटन यहाँ पर है, और आपको यहाँ पे मिल जाता है चार्जिंग स्लॉट, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और ऑक्सिलरी केबल के लिए, यानी कि अगर आप इसमें कोई केबल लगाना चाहते हो तो ऑक्सिलरी केबल लगा सकते हो यहाँ पे, तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप ऑक्सिलरी केबल का यूज़ करके अपने टीवी को या फिर अपने लैपटॉप को इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो उस केबल का यूज़ करके आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, और जो भी डिवाइस चल रहा होगा उस डिवाइस की कनेक्टिविटी इसके साथ हो जाएगी, और स्पीकर ये बन जाएगा उसका, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है, जो कि ब्लूटूथ का रहता है। तो ये रहा इसका चार्जिंग स्लॉट, ठीक है, आप कोई भी यूएसबी चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हो। टाइप सी नहीं चलेगा, जो पुराने हमारे चार्जर्स रहते हैं, पुराने चार्जिंग केबल्स रहते हैं, उसके थ्रू ये चार्ज हो जाता है, ठीक है। और इसकी अगर हम बैटरी लाइफ की बात करें, तो एक बार जब ये फुल चार्ज हो जाता है, तो उसके बाद ये 12 घंटे तक इसका जो प्लेबैक है वो रहता है। लेकिन मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है कि 12 नहीं, 15 घंटे तक ये आराम से चल जाता है, क्योंकि मैंने 15 घंटे तक इसको यूज़ करा हुआ है। तो वो चीज़ जो है, मुझे इसमें रियलाइज़ हुआ है कि 15 घंटे तक ये चल जाता है, ठीक है। और वॉल्यूम अप और डाउन करने के लिए भी यहाँ पर बटन आपको देखने को मिल जाता है, ये माइनस और प्लस का, तो आप इसको से कर सकते हैं, और आप इसको कहीं पर भी अपने फिंगर में, हालांकि इसी वजह से टूटा है, मैं इसको बार बार यूँ घुमाता रहता था, तो इस वजह से ये कहना कि टूट गया था मेरा पहला वाला, तो वही एक रीज़न है, और बार बार इसकी वजह से नीचे भी गिरा है मेरे हाथ से निकल के। तो फिर भी इसको कभी कोई डैमेज नहीं हुआ, आवाज़ बिल्कुल बराबर आ रही है उसमें, बहुत बार ये नीचे गिरा है, लेकिन इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और हम कह सकते हैं, इसके केस में हम कह सकते हैं कि प्राउडली मेड इन इंडिया। तो गाइस, डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा काम करता है, और ये इंडिया में बना हुआ है। तो मैंने इसको 2 साल यूज़ किया है, तो उसके बाद मुझे इसमें कभी कोई दिक्कत आई नहीं है, इसलिए मैंने अभी ये दूसरा भी इसी कंपनी का मंगाया, और सेम प्रोडक्ट ही मंगाया। चलिए, अब हम इसको ऑन कर देते हैं। एक बार इसको लॉन्ग प्रेस करना है आपको, लॉन्ग प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये ब्लू लाइटिंग आ रही है, और यहाँ पर बोल दिया है ब्लूटूथ मोड है। अब जैसे ही हम अपने फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन करेंगे, तो ये इसको फाइंड कर लेगा। ब्लूटूथ ऑन कर लूँगा यहाँ पर। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर ये आ रहा है मीवी प्ले, और यहाँ पर देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है। हम एक बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे। एक बार जब ये पैर हो जाता है, तो उसके बाद काम बहुत तेज़ी से हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा मीवी प्ले, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ये पैर हो जाएगा। ओके गाइस, तो अब ये पैर हो चुका है। पहले प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे एक और है मीवी प्ले,
इसको हमने पहले से कनेक्ट करा हुआ था तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन अब ये कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे बता रहा है बैटरी 80%, यानी कि अभी इसके अंदर 80% बैटरी है। ठीक है, तो अभी ये पेयर हो चुका है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे ही किसी वीडियो को प्ले करके देखेंगे यूट्यूब पर, तो फिर हम इसके साउंड को एक बार चेक करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं टेक फिंगर्स। मैं अभी यहाँ पर आपको कोई सॉन्ग प्ले करके नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें कॉपीराइट आने के चांसेस रहते हैं, तो इस वजह से हम अपने ही चैनल के वीडियोस को यहाँ पे प्ले करके देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे ये वाला शॉर्ट्स मैं प्ले करके देखता हूँ। जो बुक सजेस्ट करने जा रहा हूं, इस बुक का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर। दोस्तों ये जो बुक है ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए अपने लाइफ में एक बार, क्योंकि क्या होता है कि लाइफ में हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि हमारा बुरा वक्त कब आने वाला है, या फिर हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हमारा अच्छा वक्त कब आने वाला है। ठीक है, कई बार हम अपने लाइफ में बहुत सी चीजें करते हैं लेकिन हमको हम कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाती है। ठीक है, लेकिन हम और बुरी तरह नीचे गिरते जाते हैं, लेकिन उस वक्त जो हमारी सोच होती है ना वो हमेशा गलत डायरेक्शन में जाती है। लेकिन ये बुक अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको एक ऐसी सोच मिलेगी, एक ऐसा एटीट्यूड मिलेगा उस पर्टिकुलर फेस को डील करने का, कि आप उस फेस से जितना जल्दी हो सके कैसे बाहर आ सकते हैं। ये बुक आपको बताएगी आपके पूरे एटीट्यूड को, आपका जो माइंडसेट है वो इस बुक को पढ़ने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि बुरे वक्त में आपको किस तरीके का एटीट्यूड को लेके चलना चाहिए। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में आप परचेस कर सकते हैं। तो गाइज आपने सुन के देख लिया, यहाँ पर इस तरीके का कुछ इसका साउंड रहेगा। तो मैंने इसको सॉन्ग के साथ भी अभी मैं ट्राई करूँगा, हालांकि मैं इसको देख चुका हूँ, मैं मूवीज़ वगैरह जब भी देखता हूँ तो मैं स्पीकर का यूज़ करता हूँ। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट है और मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया स्पीकर है। अगर आप चाहते हो कि 900 रुपीज़ के रेंज में ये स्पीकर आपको आया था, 898 में मैंने अभी इसको ऑर्डर किया था, और जो पहला स्पीकर मैंने ऑर्डर किया था ब्लू कलर में, जो एक्वा ब्लू कलर में आया था, वो मैंने ऑर्डर किया था 799 रुपीज़ में। ठीक है, वो 2 साल पहले की बात है, अभी 100 रुपये इसका बढ़ गया है। अगर अभी भी आप इसका ब्लैक कलर ऑर्डर करते हो तो आपको 799 रुपीज़ में मिल जाएगा। और गाइज यहाँ पर बॉक्स कंटेंट जो है वो मैं आपको बताना भूल गया था, तो ये हमने जो गाइड से इसको हम बाहर रख लेते हैं। और यहाँ पर आपको ये ऑक्सिलरी केबल मिलता है, अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं करना चाहते हो तो आप अपने लैपटॉप या मोबाइल को इस ऑक्सिलरी केबल से कनेक्ट करके दूसरा एंड जो है आप अपने जो यहाँ पर जो ऑप्शन में मिलता है यहाँ पर आप इसको इंसर्ट कर सकते हो, दूसरा जो एंड है वो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है मिल जाता है एक केबल, जो आप इसका चार्जिंग केबल रहेगा, इसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई अडैप्टर नहीं मिलेगा, अडैप्टर आप अपने किसी भी मोबाइल फ़ोन चार्जर का यूज़ कर सकते हो और उसका यूज़ करके आप इसको चार्ज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो बस ये केबल है और ये ऑक्सिलरी केबल है, ये दोनों केबल्स आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आपको मिल जाती है इस स्पीकर के साथ में। ठीक है गाइस, तो इसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेस कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई ऐसे अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आया होगा, पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पसंद भी मिलेगी, इससे मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।